दोस्तों अगर आप सीतारामम मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीतारामम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा 5 अगस्त 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की रोमांटिक हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी सीता रामम इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनु राघवा पुड़ी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो दुलकर सलमान मुरलाल ठाकुर रश्मिका मंदाना भूमिका चावला गौतम वासुदेव मेनन सुमंत आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं इस मूवी को आई पर 10 में से 8.6 की रेटिंग हासिल है 95 फाइव परसेंट रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है और दोस्तों 97 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक भी किया है यह मूवी का बजट तीस करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 105 करोड़ के आसपास का कारोबार किया था यह मूवी तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी तमिल मलयालम इन सभी भाषाओं में भी इस मूवी को रिलीज किया गया था अगर दोस्तों आप सीता रामा मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी खैर आपने घरों में देख ही ली होगी यह मूवी को हमें डायरेक्ट हिंदी भाषा में सिनेमाघरों में भी रिलीज़ किया गया था अब दोस्तों सीता रामम मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में बात करें तो पेन मूवीज़ कंपनी की ओर से इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को खरीदा गया था और दोस्तों पेन मूवीज़ वालों ने ही इस मूवी को हिंदी भाषा में डब करवाया है इस मूवी का हिंदी में नाम सीता रामम ही रखा गया था और यह मूवी हमें डायरेक्ट सिनेमाघरों पर देखने को मिली थी जी हाँ दोस्तों यह मूवी सिनेमाघरों में लगी थी और इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर सिर्फ और सिर्फ डिजनी प्लस हॉट स्टार पर जी हाँ दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो यह मूवी की आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों अगर आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो तो सीतारामम मूवी को आप डिजनी प्लस हॉट स्टार पर बिल्कुल फ्री में एन्जॉय कर सकते हो जी हाँ दोस्तों यह मूवी आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है और दोस्तों यह मूवी हमें टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड पर भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में आफरीन, का मंदाना लंदन के एक विश्वविद्यालय में पाकिस्तान की छात्र अध्यक्ष है वह अपने दादा की इच्छा के आग्रह पर सीता महालक्ष्मी मनलाल ठाकुर को एक पत्र देने का काम करती है हालांकि उसे नौकरी पसंद नहीं है फिर भी वह अपने दादा की संपत्ति में से अपना हिस्सा पाने के लिए ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है पत्र लेफ्टिनेंट राम दुल्के सलमान द्वारा सीता को लिखा गया है यह राम कौन है कौन है सीता महालक्ष्मी राम और आफरीन के दादाजी के बीच क्या संबंध है जवाब जानने के लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हमें काफी ज्यादा पसंद आया है और दोस्तों हर इंडस्ट्री की तरफ से इस मूवी को काफ़ी गजब का रिस्पांस मिला है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी देखने को मिलने वाली है बात करें इस मूवी की प्लस पॉइंट के बारे में दुलकर सलमान कितने शानदार एक्टर है अभिनेता ने एक बार फिर सीता रामम के साथ अपनी काबिलियत साबित की है लेफ्टिनेंट राम के किरदार में उन्होंने जान फूक दी है वह अच्छे दिखते हैं और स्किन प्रेजेंस लाजवाब है चाहे वह भावनात्मक दृश्य हो या रोमांटिक, वह उन्हें शानदार ढंग से प्रस्तुत करते हैं यहाँ सरप्राइज पैकेज है मललाल ठाकुर वह एक चौका देने वाली तेलुगु शुरुआत करती है वह साड़ियों में बहुत खूबसूरत लग रही है और आसानी से परफॉर्मेंस भी कर रही थी उसका निश्चित रूप से उज्जवल भविष्य ही होने वाला है दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो यह मूवी के बारे में कोई और बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप सीता रामम मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीता रामम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा 5 अगस्त 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की रोमांटिक हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी सीतारामम इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनुराघवा पुड़ी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो दुलकर सलमान मुरलाल ठाकुर रश्मिका मंदाना भूमिका चावला गौतम वासुदेव मेनन सुमंत आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में से 8.6 की रेटिंग हासिल है 95 फाइव परसेंट रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है और दोस्तों 97 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक भी किया है यह मूवी का बजट तीस करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 105 करोड़ के आसपास का कारोबार किया था यह मूवी तेलुगु लैंग्वेजेस के साथ साथ हिंदी तमिल मलयालम इन सभी भाषाओं में भी इस मूवी को रिलीज किया गया था अगर दोस्तों आप सीता रामा मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी खैर आपने घरों में देख ही ली होगी यह मूवी को हमें डायरेक्ट हिंदी भाषा में सिनेमाघरों में भी रिलीज किया गया था अब दोस्तों सीता रामम मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में बात करें तो पेन मूवीज़ कंपनी की ओर से इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को खरीदा गया था और दोस्तों पेन मूवीज़ वालों ने ही इस मूवी को हिंदी भाषा में डब करवाया है इस मूवी का हिंदी में नाम सीता रामम ही रखा गया था और यह मूवी हमें डायरेक्ट सिनेमाघरों पर देखने को मिली थी जी हाँ दोस्तों यह मूवी सिनेमाघरों में लगी थी और इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर सिर्फ और सिर्फ डिजनी प्लस हॉट स्टार पर जी हाँ दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो यह मूवी की आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों अगर आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो तो सीताराम मूवी को आप डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर बिल्कुल फ्री में एन्जॉय कर सकते हो जी हाँ दोस्तों यह मूवी आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है और दोस्तों यह मूवी हमें टेलीविज़न के चैनल स्टार गोल्ड पर भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को कर सकते हो बात करें इस मूवी के के कहानी बारे में आफरीन, का मंदाना लंदन के एक विश्वविद्यालय में पाकिस्तान की छात्र अध्यक्ष है वह अपने दादा की इच्छा के आग्रह पर सीता महालक्ष्मी मनलाल ठाकुर को एक पत्र देने का काम करती है हालांकि उसे नौकरी पसंद नहीं है फिर भी वह अपने दादा की संपत्ति में से अपना हिस्सा पाने के लिए ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है पत्र लेफ्टिनेंट राम दुल्कि सलमान द्वारा सीता को लिखा गया है यह राम कौन है कौन है सीता महालक्ष्मी राम और आफरीन के दादाजी के बीच क्या संबंध है जवाब जानने के लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हमें काफी ज्यादा पसंद आया है और दोस्तों हर इंडस्ट्री की तरफ से इस मूवी को काफी गजब का रिस्पांस मिला है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी देखने को मिलने वाली है बात करें इस मूवी की प्लस पॉइंट के बारे में दुलकर सलमान कितने शानदार एक्टर है अभिनेता ने एक बार फिर सीता रामम के साथ अपनी काबिलियत साबित की है लेफ्टिनेंट राम के किरदार में उन्होंने जान फूक दी है वह अच्छे दिखते हैं और स्किन प्रेजेंस लाजवाब है चाहे वह भावनात्मक दृश्य हो या रोमांटिक, वह उन्हें शानदार ढंग से प्रस्तुत करते हैं यहाँ सरप्राइज पैकेज है मल्ला ठाकुर वह एक चौका देने वाली तेलुगु शुरुआत करती है वह साड़ियों में बहुत खूबसूरत लग रही है और आसानी से परफॉर्मेंस भी कर रही थी उसका निश्चित रूप से उज्जवल भविष्य ही होने वाला है दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो यह मूवी के बारे में कोई और बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप सीतारामम मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीतारामम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा 5 अगस्त 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की रोमांटिक हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी सीता रामम इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनु राघवा पुड़ी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो दुलकर सलमान मुरलाल ठाकुर रश्मिका मंदाना भूमिका चावला गौतम वासुदेव मेनन सुमंत आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में से 8.6 की रेटिंग हासिल है 95% फाइव परसेंट रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है और दोस्तों 97% परसेंट गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक भी किया है यह मूवी का बजट 30 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 105 करोड़ के आसपास का कारोबार किया था यह मूवी तेलुगु लैंग्वेजेस के साथ साथ हिंदी तमिल मलयालम इन सभी भाषाओं में भी इस मूवी को रिलीज किया गया था अगर दोस्तों आप सीता रामा मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी खैर आपने घरों में देख ही ली होगी यह मूवी को हमें डायरेक्ट हिंदी भाषा में सिनेमाघरों में भी रिलीज़ किया गया था अब दोस्तों सीता रामम मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में बात करें तो पेन मूवीज़ कंपनी की ओर से इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को ख़रीदा गया था और दोस्तों पेन मूवीज़ वालों ने ही इस मूवी को हिंदी भाषा में डब करवाया है इस मूवी का हिंदी में नाम सीता रामम ही रखा गया था और यह मूवी हमें डायरेक्ट सिनेमाघरों पर देखने को मिली थी जी हाँ दोस्तों यह मूवी सिनेमाघरों में लगी थी और इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर सिर्फ और सिर्फ डिजनी प्लस हॉट स्टार पर जी हाँ दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो यह मूवी की आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों अगर आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो तो सीतारामम मूवी को आप डिजनी प्लस हॉट स्टार पर बिल्कुल फ्री में एन्जॉय कर सकते हो जी हाँ दोस्तों यह मूवी आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है और दोस्तों यह मूवी हमें टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड पर भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में रश्मिका मंदाना लंदन के एक विश्वविद्यालय में पाकिस्तान की छात्र अध्यक्ष है वह अपने दादा की इच्छा के आग्रह पर सीता महालक्ष्मी मनलाल ठाकुर को एक पत्र देने का काम करती है हालांकि उसे नौकरी पसंद नहीं है फिर भी वह अपने दादा की संपत्ति में से अपना हिस्सा पाने के लिए ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है पत्र लेफ्टिनेंट राम के सलमान द्वारा सीता को लिखा गया है यह राम कौन है कौन है सीता महालक्ष्मी राम और आफरीन के दादाजी के बीच क्या संबंध है जवाब जानने के लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हमें काफी ज्यादा पसंद आया है और दोस्तों हर इंडस्ट्री की तरफ से इस मूवी को काफ़ी गजब का रिस्पांस मिला है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी देखने को मिलने वाली है बात करें इस मूवी की प्लस पॉइंट के बारे में दुलकर सलमान कितने शानदार एक्टर है अभिनेता ने एक बार फिर सीता रामम के साथ अपनी काबिलियत साबित की है लेफ्टिनेंट राम के किरदार में उन्होंने जान फूक दी है वह अच्छे दिखते हैं और स्किन प्रेजेंस लाजवाब है चाहे वह भावनात्मक दृश्य हो या रोमांटिक, वह उन्हें शानदार ढंग से प्रस्तुत करते हैं यहाँ सरप्राइज पैकेज है मललाल ठाकुर वह एक चौका देने वाली तेलुगु शुरुआत करती है वह साड़ियों में बहुत खूबसूरत लग रही है और आसानी से परफॉर्मेंस भी कर रही थी उसका निश्चित रूप से उज्जवल भविष्य ही होने वाला है दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो यह मूवी के बारे में कोई और बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप सीतारामम मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीता रामम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा 5 अगस्त 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की रोमांटिक हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी सीता रामम इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनु पुड़ी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो दुलकर सलमान मुरलाल ठाकुर रश्मिका मंदाना भूमिका चावला गौतम वासुदेव मेनन सुमंत आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं इस मूवी को आई पर 10 में से 8.6 की रेटिंग हासिल है 95 फाइव परसेंट रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है और दोस्तों 97 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक भी किया है यह मूवी का बजट तीस करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 105 करोड़ के आसपास का कारोबार किया था यह मूवी तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी तमिल मलयालम इन सभी भाषाओं में भी इस मूवी को रिलीज किया गया था अगर दोस्तों आप सीता रामा मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी खैर आपने घरों में देख ही ली होगी यह मूवी को हमें डायरेक्ट हिंदी भाषा में सिनेमाघरों में भी रिलीज किया गया था अब दोस्तों सीता रामम मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में बात करें तो पेन मूवीज़ कंपनी की ओर से इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को खरीदा गया था और दोस्तों पेन मूवीज़ वालों ने ही इस मूवी को हिंदी भाषा में डब करवाया है इस मूवी का हिंदी में नाम सीता रामम ही रखा गया था और यह मूवी हमें डायरेक्ट सिनेमाघरों पर देखने को मिली थी जी हाँ दोस्तों यह मूवी सिनेमाघरों में लगी थी और इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर सिर्फ और सिर्फ डिजनी प्लस हॉट स्टार पर जी हाँ दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो यह मूवी की आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों अगर आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो तो सीतारामम मूवी को आप डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर बिल्कुल फ्री में एन्जॉय कर सकते हो जी हाँ दोस्तों यह मूवी आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है और दोस्तों यह मूवी हमें टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड पर भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में आफरीन का मंदाना लंदन के एक विश्वविद्यालय में पाकिस्तान की छात्र अध्यक्ष है वह अपने दादा की इच्छा के आग्रह पर सीता महालक्ष्मी मनलाल ठाकुर को एक पत्र देने का काम करती है हालांकि उसे नौकरी पसंद नहीं है फिर भी वह अपने दादा की संपत्ति में से अपना हिस्सा पाने के लिए ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है पत्र लेफ्टिनेंट राम दुल्कि सलमान द्वारा सीता को लिखा गया है यह राम कौन है कौन है सीता महालक्ष्मी राम और आफरीन के दादाजी के बीच क्या संबंध है जवाब जानने के लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हमें काफी ज्यादा पसंद आया है और दोस्तों हर इंडस्ट्री की तरफ से इस मूवी को काफ़ी गजब का रिस्पांस मिला है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी देखने को मिलने वाली है बात करें इस मूवी की प्लस पॉइंट के बारे में दुलकर सलमान कितने शानदार एक्टर हैं अभिनेता ने एक बार फिर सीता रामम के साथ अपनी काबिलियत साबित की है लेफ्टिनेंट राम के किरदार में उन्होंने जान फूक दी है वह अच्छे दिखते हैं और स्क्रीन प्रेजेंस लाजवाब है चाहे वह भावनात्मक दृश्य हो या रोमांटिक, वह उन्हें शानदार ढंग से प्रस्तुत करते हैं यहाँ सरप्राइज पैकेज है मललाल ठाकुर वह एक चौका देने वाली तेलुगु शुरुआत करती है वह साड़ियों में बहुत खूबसूरत लग रही है और आसानी से परफॉर्मेंस भी कर रही थी उसका निश्चित रूप से उज्जवल भविष्य ही होने वाला है दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो यह मूवी के बारे में कोई और बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप सीतारामम मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीतारामम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा 5 अगस्त 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की रोमांटिक हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी सीता रामम इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनु राघवा पुड़ी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो दुलकर सलमान मुरलाल ठाकुर रश्मिका मंदाना भूमिका चावला गौतम वासुदेव मेनन सुमंत आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में से 8.6 की रेटिंग हासिल है 95 फाइव परसेंट रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है और दोस्तों 97 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक भी किया है यह मूवी का बजट 30 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 105 करोड़ के आसपास का कारोबार किया था यह मूवी तेलुगु लैंग्वेजेस के साथ साथ हिंदी तमिल मलयालम इन सभी भाषाओं में भी इस मूवी को रिलीज किया गया था अगर दोस्तों आप सीता रामा मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी खैर आपने घरों में देख ही ली होगी यह मूवी को हमें डायरेक्ट हिंदी भाषा में सिनेमाघरों में भी रिलीज़ किया गया था अब दोस्तों सीता रामम मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में बात करें तो पेन मूवीज़ कंपनी की ओर से इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को खरीदा गया था और दोस्तों पेन मूवीज़ वालों ने ही इस मूवी को हिंदी भाषा में डब करवाया है इस मूवी का हिंदी में नाम सीता रामम ही रखा गया था और यह मूवी हमें डायरेक्ट सिनेमाघरों पर देखने को मिली थी जी हाँ दोस्तों यह मूवी सिनेमाघरों में लगी थी और इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर सिर्फ और सिर्फ डिजनी प्लस हॉट स्टार पर जी हाँ दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो यह मूवी की आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों अगर आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो तो सीताराम मूवी को आप डिजनी प्लस हॉट स्टार पर बिल्कुल फ्री में एन्जॉय कर सकते हो जी हाँ दोस्तों यह मूवी आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है और दोस्तों यह मूवी हमें टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड पर भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी के के कहानी बारे में आफरीन का मंदाना लंदन के एक विश्वविद्यालय में पाकिस्तान की छात्र अध्यक्ष है वह अपने दादा की इच्छा के आग्रह पर सीता महालक्ष्मी मनलाल ठाकुर को एक पत्र देने का काम करती है हालांकि उसे नौकरी पसंद नहीं है फिर भी वह अपने दादा की संपत्ति में से अपना हिस्सा पाने के लिए ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है पत्र लेफ्टिनेंट राम दुल्कि सलमान द्वारा सीता को लिखा गया है यह राम कौन है कौन है सीता महालक्ष्मी राम और आफरीन के दादाजी के बीच क्या संबंध है जवाब जानने के लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हमें काफी ज्यादा पसंद आया है और दोस्तों हर इंडस्ट्री की तरफ से इस मूवी को काफ़ी गजब का रिस्पांस मिला है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी देखने को मिलने वाली है बात करें इस मूवी की प्लस पॉइंट के बारे में दुलकर सलमान कितने शानदार एक्टर है अभिनेता ने एक बार फिर सीता रामम के साथ अपनी काबिलियत साबित की है लेफ्टिनेंट राम के किरदार में उन्होंने जान फूक दी है वह अच्छे दिखते हैं और स्क्रीन प्रेजेंस लाजवाब है चाहे वह भावनात्मक दृश्य हो या रोमांटिक, वह उन्हें शानदार ढंग से प्रस्तुत करते हैं यहाँ सरप्राइज पैकेज है मललाल ठाकुर वह एक चौका देने वाली तेलुगु शुरुआत करती है वह साड़ियों में बहुत खूबसूरत लग रही है और आसानी से परफॉर्मेंस भी कर रही थी उसका निश्चित रूप से उज्जवल भविष्य ही होने वाला है दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो यह मूवी के बारे में कोई और बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप सीतारामम मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीता रामम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा 5 अगस्त 2022 को रिलीज हुई तेलुगू भाषा की रोमांटिक हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी सीता रामम इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनु राघवा पुड़ी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो दुलकर सलमान मुरलाल ठाकुर रश्मिका मंदाना भूमिका चावला गौतम वासुदेव मेनन सुमंत आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं इस मूवी को आई पर 10 में से 8.6 की रेटिंग हासिल है 95% फाइव परसेंट रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है और दोस्तों 97% परसेंट गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक भी किया है यह मूवी का बजट तीस करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 105 करोड़ के आसपास का कारोबार किया था यह मूवी तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी तमिल मलयालम इन सभी भाषाओं में भी इस मूवी को रिलीज किया गया था अगर दोस्तों आप सीता रामा मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी खैर आपने घरों में देख ही ली होगी यह मूवी को हमें डायरेक्ट हिंदी भाषा में सिनेमाघरों में भी रिलीज किया गया था अब दोस्तों सीता रामम मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में बात करें तो पेन मूवीज़ कंपनी की ओर से इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को खरीदा गया था और दोस्तों पेन मूवीज़ वालों ने ही इस मूवी को हिंदी भाषा में डब करवाया है इस मूवी का हिंदी में नाम सीता रामम ही रखा गया था और यह मूवी हमें डायरेक्ट सिनेमाघरों पर देखने को मिली थी जी हाँ दोस्तों यह मूवी सिनेमाघरों में लगी थी और इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर सिर्फ और सिर्फ डिजनी प्लस हॉट स्टार पर जी हाँ दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो यह मूवी की आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों अगर आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो तो सीतारामम मूवी को आप डिजनी प्लस हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर सकते हो जी हाँ दोस्तों यह मूवी आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है और दोस्तों यह मूवी हमें टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड पर भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में आफरीन का मंदाना लंदन के एक विश्वविद्यालय में पाकिस्तान की छात्र अध्यक्ष है वह अपने दादा की इच्छा के आग्रह पर सीता महालक्ष्मी मनलाल ठाकुर को एक पत्र देने का काम करती है हालांकि उसे नौकरी पसंद नहीं है फिर भी वह अपने दादा की संपत्ति में से अपना हिस्सा पाने के लिए ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है पत्र लेफ्टिनेंट राम दुल्के सलमान द्वारा सीता को लिखा गया है यह राम कौन है कौन है सीता महालक्ष्मी राम और आफरीन के दादाजी के बीच क्या संबंध है जवाब जानने के लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हमें काफी ज्यादा पसंद आया है और दोस्तों हर इंडस्ट्री की तरफ से इस मूवी को काफ़ी गजब का रिस्पांस मिला है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी देखने को मिलने वाली है बात करें इस मूवी की प्लस पॉइंट के बारे में दुलकर सलमान कितने शानदार एक्टर है अभिनेता ने एक बार फिर सीता रामम के साथ अपनी काबिलियत साबित की है लेफ्टिनेंट राम के किरदार में उन्होंने जान फूक दी है वह अच्छे दिखते हैं और स्किन प्रेजेंस लाजवाब है चाहे वह भावनात्मक दृश्य हो या रोमांटिक वह उन्हें शानदार ढंग से प्रस्तुत करते हैं यहाँ सरप्राइज पैकेज है मललाल ठाकुर वह एक चौका देने वाली तेलुगु शुरुआत करती है वह साड़ियों में बहुत खूबसूरत लग रही है और आसानी से परफॉर्मेंस भी कर रही थी उसका निश्चित रूप से उज्जवल भविष्य ही होने वाला है दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो यह मूवी के बारे में कोई और बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप सीतारामम मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीता रामम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा 5 अगस्त 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की रोमांटिक हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी सीता रामम इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनु राघवा पुड़ी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो दुलकर सलमान मुरलाल ठाकुर रश्मिका मंदाना भूमिका चावला गौतम वासुदेव मेनन सुमंत आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में से 8.6 की रेटिंग हासिल है 95 फाइव परसेंट रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है और दोस्तों 97 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक भी किया है यह मूवी का बजट 30 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 105 करोड़ के आसपास का कारोबार किया था यह मूवी तेलुगु लैंग्वेजेस के साथ साथ हिंदी तमिल मलयालम इन सभी भाषाओं में भी इस मूवी को रिलीज किया गया था अगर दोस्तों आप सीता रामा मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी खैर आपने घरों में देख ही ली होगी यह मूवी को हमें डायरेक्ट हिंदी भाषा में सिनेमाघरों में भी रिलीज किया गया था अब दोस्तों सीता रामम मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में बात करें तो पेन मूवीज़ कंपनी की ओर से इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को खरीदा गया था और दोस्तों पेन मूवीज़ वालों ने ही इस मूवी को हिंदी भाषा में डब करवाया है इस मूवी का हिंदी में नाम सीता रामम ही रखा गया था और यह मूवी हमें डायरेक्ट सिनेमाघरों पर देखने को मिली थी जी हाँ दोस्तों यह मूवी सिनेमाघरों में लगी थी और इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर सिर्फ और सिर्फ डिजनी प्लस हॉट स्टार पर जी हाँ दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो यह मूवी की आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों अगर आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो तो सीताराम मूवी को आप डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर बिल्कुल फ्री में एन्जॉय कर सकते हो जी हाँ दोस्तों यह मूवी आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है और दोस्तों यह मूवी हमें टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड पर भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में आफरीन का मंदाना लंदन के एक विश्वविद्यालय में पाकिस्तान की छात्र अध्यक्ष है वह अपने दादा की इच्छा के आग्रह पर सीता महालक्ष्मी मनलाल ठाकुर को एक पत्र देने का काम करती है हालांकि उसे नौकरी पसंद नहीं है फिर भी वह अपने दादा की संपत्ति में से अपना हिस्सा पाने के लिए ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है पत्र लेफ्टिनेंट राम दुलके सलमान द्वारा सीता को लिखा गया है यह राम कौन है कौन है सीता महालक्ष्मी राम और आफरीन के दादाजी के बीच क्या संबंध है जवाब जानने के लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हमें काफी ज्यादा पसंद आया है और दोस्तों हर इंडस्ट्री की तरफ से इस मूवी को काफी गजब का रिस्पांस मिला है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी देखने को मिलने वाली है बात करें इस मूवी की प्लस पॉइंट के बारे में दुलकर सलमान कितने शानदार एक्टर है अभिनेता ने एक बार फिर रामम के साथ अपनी काबिलियत साबित की है लेफ्टिनेंट राम के किरदार में उन्होंने जान फूक दी है वह अच्छे दिखते हैं और स्किन प्रेजेंस लाजवाब है चाहे वह भावनात्मक दृश्य हो या रोमांटिक, वह उन्हें शानदार ढंग से प्रस्तुत करते हैं यहाँ सरप्राइज पैकेज है मललाल ठाकुर वह एक चौका देने वाली तेलुगु शुरुआत करती है वह साड़ियों में बहुत खूबसूरत लग रही है और आसानी से परफॉर्मेंस भी कर रही थी उसका निश्चित रूप से उज्जवल भविष्य ही होने वाला है दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो यह मूवी के बारे में कोई और बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप सीतारामम मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीतारामम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा 5 अगस्त 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की रोमांटिक हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी सीता रामम इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनु राघवा पुड़ी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो दुलकर सलमान मुरलाल ठाकुर रश्मिका मंदाना भूमिका चावला गौतम वासुदेव मेनन सुमंत आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं इस मूवी को आई पर 10 में से 8.6 की रेटिंग हासिल है 95% फाइव परसेंट रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है और दोस्तों 97% सेवन परसेंट गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक भी किया है यह मूवी का बजट 30 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 105 करोड़ के आसपास का कारोबार किया था यह मूवी तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी तमिल मलयालम इन सभी भाषाओं में भी इस मूवी को रिलीज किया गया था अगर दोस्तों आप सीता रामा मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी खैर आपने घरों में देख ही ली होगी यह मूवी को हमें डायरेक्ट हिंदी भाषा में सिनेमाघरों में भी रिलीज़ किया गया था अब दोस्तों सीता रामम मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में बात करें तो पेन मूवीज़ कंपनी की ओर से इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को खरीदा गया था और दोस्तों पेन मूवीज़ वालों ने ही इस मूवी को हिंदी भाषा में डब करवाया है इस मूवी का हिंदी में नाम सीता रामम ही रखा गया था और यह मूवी हमें डायरेक्ट सिनेमाघरों पर देखने को मिली थी जी हाँ दोस्तों यह मूवी सिनेमाघरों में लगी थी और इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर सिर्फ और सिर्फ डिजनी प्लस हॉट स्टार पर जी हाँ दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो यह मूवी की आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों अगर आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो तो सीतारामम मूवी को आप डिजनी प्लस हॉट स्टार पर बिल्कुल फ्री में एन्जॉय कर सकते हो जी हाँ दोस्तों यह मूवी आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है और दोस्तों यह मूवी हमें टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड पर भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में आफरीन का मंदाना लंदन के एक विश्वविद्यालय में पाकिस्तान की छात्र अध्यक्ष है वह अपने दादा की इच्छा के आग्रह पर सीता महालक्ष्मी मनलाल ठाकुर को एक पत्र देने का काम करती है हालांकि उसे नौकरी पसंद नहीं है फिर भी वह अपने दादा की संपत्ति में से अपना हिस्सा पाने के लिए ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है पत्र लेफ्टिनेंट राम रामक सलमान द्वारा सीता को लिखा गया है यह राम कौन है कौन है सीता महालक्ष्मी राम और आफरीन के दादाजी के बीच क्या संबंध है जवाब जानने के लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हमें काफी ज्यादा पसंद आया है और दोस्तों हर इंडस्ट्री की तरफ से इस मूवी को काफ़ी गजब का रिस्पांस मिला है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी देखने को मिलने वाली है बात करें इस मूवी की प्लस पॉइंट के बारे में दुलकर सलमान कितने शानदार एक्टर है अभिनेता ने एक बार फिर सीता रामम के साथ अपनी काबिलियत साबित की है लेफ्टिनेंट राम के किरदार में उन्होंने जान फूक दी है वह अच्छे दिखते हैं और स्किन प्रेजेंस लाजवाब है चाहे वह भावनात्मक दृश्य हो या रोमांटिक, वह उन्हें शानदार ढंग से प्रस्तुत करते हैं यहाँ सरप्राइज पैकेज है मललाल ठाकुर वह एक चौका देने वाली तेलुगु शुरुआत करती है वह साड़ियों में बहुत खूबसूरत लग रही है और आसानी से परफॉर्मेंस भी कर रही थी उसका निश्चित रूप से उज्जवल भविष्य ही होने वाला है दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो यह मूवी के बारे में कोई और बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप सीता रामम मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीता रामम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा 5 अगस्त 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की रोमांटिक हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी सीतारामम इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनुराघवा पुड़ी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो दुलकर सलमान मुरलाल ठाकुर रश्मिका मंदाना भूमिका चावला गौतम वासुदेव मेनन सुमंत आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में से 8.6 की रेटिंग हासिल है 95 फाइव परसेंट रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है और दोस्तों 97 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक भी किया है यह मूवी का बजट 30 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 105 करोड़ के आसपास का कारोबार किया था यह मूवी तेलुगु लैंग्वेजेस के साथ साथ हिंदी तमिल मलयालम इन सभी भाषाओं में भी इस मूवी को रिलीज किया गया था अगर दोस्तों आप सीता रामा मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी खैर आपने घरों में देख ही ली होगी यह मूवी को हमें डायरेक्ट हिंदी भाषा में सिनेमाघरों में भी रिलीज किया गया था अब दोस्तों सीता रामम मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में बात करें तो पेन मूवीज़ कंपनी की ओर से इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को खरीदा गया था और दोस्तों पेन मूवीज़ वालों ने ही इस मूवी को हिंदी भाषा में डब करवाया है इस मूवी का हिंदी में नाम सीता रामम ही रखा गया था और यह मूवी हमें डायरेक्ट सिनेमाघरों पर देखने को मिली थी जी हाँ दोस्तों यह मूवी सिनेमाघरों में लगी थी और इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर सिर्फ और सिर्फ डिजनी प्लस हॉट स्टार पर जी हाँ दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो यह मूवी की आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों अगर आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो तो सीतारामम मूवी को आप डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर बिल्कुल फ्री में एन्जॉय कर सकते हो जी हाँ दोस्तों यह मूवी आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है और दोस्तों यह मूवी हमें टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड पर भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को कर सकते हो बात करें इस मूवी के के कहानी बारे में आफरीन का मंदाना लंदन के एक विश्वविद्यालय में पाकिस्तान की छात्र अध्यक्ष है वह अपने दादा की इच्छा के आग्रह पर सीता महालक्ष्मी मनलाल ठाकुर को एक पत्र देने का काम करती है हालांकि उसे नौकरी पसंद नहीं है फिर भी वह अपने दादा की संपत्ति में से अपना हिस्सा पाने के लिए ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है पत्र लेफ्टिनेंट राम दुल्कि सलमान द्वारा सीता को लिखा गया है यह राम कौन है कौन है सीता महालक्ष्मी राम और आफरीन के दादाजी के बीच क्या संबंध है जवाब जानने के लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हमें काफी ज्यादा पसंद आया है और दोस्तों हर इंडस्ट्री की तरफ से इस मूवी को काफ़ी गजब का रिस्पांस मिला है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी देखने को मिलने वाली है बात करें इस मूवी की प्लस पॉइंट के बारे में दुलकर सलमान कितने शानदार एक्टर है अभिनेता ने एक बार फिर सीता रामम के साथ अपनी काबिलियत साबित की है लेफ्टिनेंट राम के किरदार में उन्होंने जान फूक दी है वह अच्छे दिखते हैं और स्क्रीन प्रेजेंस लाजवाब है चाहे वह भावनात्मक दृश्य हो या रोमांटिक, वह उन्हें शानदार ढंग से प्रस्तुत करते हैं यहाँ सरप्राइज पैकेज है मललाल ठाकुर वह एक चौका देने वाली तेलुगु शुरुआत करती है वह साड़ियों में बहुत खूबसूरत लग रही है और आसानी से परफॉर्मेंस भी कर रही थी उसका निश्चित रूप से उज्जवल भविष्य ही होने वाला है दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो यह मूवी के बारे में कोई और बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप सीतारामम मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीतारामम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा 5 अगस्त 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की रोमांटिक हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी सीता रामम इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनु राघवा पुड़ी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो दुलकर सलमान मुरलाल ठाकुर रश्मिका मंदाना भूमिका चावला गौतम वासुदेव मेनन सुमंत आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में से 8.6 की रेटिंग हासिल है 95% फाइव परसेंट रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है और दोस्तों 97% परसेंट गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक भी किया है यह मूवी का बजट 30 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 105 करोड़ के आसपास का कारोबार किया था यह मूवी तेलुगु लैंग्वेजेस के साथ साथ हिंदी तमिल मलयालम इन सभी भाषाओं में भी इस मूवी को रिलीज किया गया था अगर दोस्तों आप सीता रामा मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी खैर आपने घरों में देख ही ली होगी यह मूवी को हमें डायरेक्ट हिंदी भाषा में सिनेमाघरों में भी रिलीज़ किया गया था अब दोस्तों सीता रामम मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में बात करें तो पेन मूवीज़ कंपनी की ओर से इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को ख़रीदा गया था और दोस्तों पेन मूवीज़ वालों ने ही इस मूवी को हिंदी भाषा में डब करवाया है इस मूवी का हिंदी में नाम सीता रामम ही रखा गया था और यह मूवी हमें डायरेक्ट सिनेमाघरों पर देखने को मिली थी जी हाँ दोस्तों यह मूवी सिनेमाघरों में लगी थी और इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर सिर्फ और सिर्फ डिजनी प्लस हॉट स्टार पर जी हाँ दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो यह मूवी की आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों अगर आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो तो सीतारामम मूवी को आप डिजनी प्लस हॉट स्टार पर बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर सकते हो जी हाँ दोस्तों यह मूवी आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है और दोस्तों यह मूवी हमें टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड पर भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में आफरीन का मंदाना लंदन के एक विश्वविद्यालय में पाकिस्तान की छात्र अध्यक्ष है वह अपने दादा की इच्छा के आग्रह पर सीता महालक्ष्मी मनलाल ठाकुर को एक पत्र देने का काम करती है हालांकि उसे नौकरी पसंद नहीं है फिर भी वह अपने दादा की संपत्ति में से अपना हिस्सा पाने के लिए ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है पत्र लेफ्टिनेंट राम दुल्के सलमान द्वारा सीता को लिखा गया है यह राम कौन है कौन है सीता महालक्ष्मी राम और आफरीन के दादाजी के बीच क्या संबंध है जवाब जानने के लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हमें काफी ज्यादा पसंद आया है और दोस्तों हर इंडस्ट्री की तरफ से इस मूवी को काफ़ी गजब का रिस्पांस मिला है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी देखने को मिलने वाली है बात करें इस मूवी की प्लस पॉइंट के बारे में दुलकर सलमान कितने शानदार एक्टर है अभिनेता ने एक बार फिर सीता रामम के साथ अपनी काबिलियत साबित की है लेफ्टिनेंट राम के किरदार में उन्होंने जान फूक दी है वह अच्छे दिखते हैं और स्क्रीन प्रेजेंस लाजवाब है चाहे वह भावनात्मक दृश्य हो या रोमांटिक, वह उन्हें शानदार ढंग से प्रस्तुत करते हैं यहाँ सरप्राइज पैकेज है मल ठाकुर वह एक चौका देने वाली तेलुगु शुरुआत करती है वह साड़ियों में बहुत खूबसूरत लग रही है और आसानी से परफॉर्मेंस भी कर रही थी उसका निश्चित रूप से उज्जवल भविष्य ही होने वाला है दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो यह मूवी के बारे में कोई और बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप सीतारामम मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीता रामम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा 5 अगस्त 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की रोमांटिक हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी सीता रामम इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनु पुड़ी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो दुलकर सलमान मुरलाल ठाकुर रश्मिका मंदाना भूमिका चावला गौतम वासुदेव मेनन सुमंत आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं इस मूवी को आई पर 10 में से 8.6 की रेटिंग हासिल है 95% फाइव परसेंट रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है और दोस्तों 97% परसेंट गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक भी किया है यह मूवी का बजट तीस करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 105 करोड़ के आसपास का कारोबार किया था यह मूवी तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी तमिल मलयालम इन सभी भाषाओं में भी इस मूवी को रिलीज किया गया था अगर दोस्तों आप सीता रामा मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी खैर आपने घरों में देख ही ली होगी यह मूवी को हमें डायरेक्ट हिंदी भाषा में सिनेमाघरों में भी रिलीज किया गया था अब दोस्तों सीता रामम मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में बात करें तो पेन मूवीज़ कंपनी की ओर से इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को खरीदा गया था और दोस्तों पेन मूवीज़ वालों ने ही इस मूवी को हिंदी भाषा में डब करवाया है इस मूवी का हिंदी में नाम सीता रामम ही रखा गया था और यह मूवी हमें डायरेक्ट सिनेमाघरों पर देखने को मिली थी जी हाँ दोस्तों यह मूवी सिनेमाघरों में लगी थी और इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर सिर्फ और सिर्फ डिजनी प्लस हॉट स्टार पर जी हाँ दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो यह मूवी की आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों अगर आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो तो सीतारामम मूवी को आप डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर बिल्कुल फ्री में एन्जॉय कर सकते हो जी हाँ दोस्तों यह मूवी आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है और दोस्तों यह मूवी हमें टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड पर भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में आफरीन, का मंदाना लंदन के एक विश्वविद्यालय में पाकिस्तान की छात्र अध्यक्ष है वह अपने दादा की इच्छा के आग्रह पर सीता महालक्ष्मी मनलाल ठाकुर को एक पत्र देने का काम करती है हालांकि उसे नौकरी पसंद नहीं है फिर भी वह अपने दादा की संपत्ति में से अपना हिस्सा पाने के लिए ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है पत्र लेफ्टिनेंट राम दुल्कि सलमान द्वारा सीता को लिखा गया है यह राम कौन है कौन है सीता महालक्ष्मी राम और आफरीन के दादाजी के बीच क्या संबंध है जवाब जानने के लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हमें काफी ज्यादा पसंद आया है और दोस्तों हर इंडस्ट्री की तरफ से इस मूवी को काफ़ी गजब का रिस्पांस मिला है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी देखने को मिलने वाली है बात करें इस मूवी की प्लस पॉइंट के बारे में दुलकर सलमान कितने शानदार एक्टर है अभिनेता ने एक बार फिर सीता रामम के साथ अपनी काबिलियत साबित की है लेफ्टिनेंट राम के किरदार में उन्होंने जान फूक दी है वह अच्छे दिखते हैं और स्क्रीन प्रेजेंस लाजवाब है चाहे वह भावनात्मक दृश्य हो या रोमांटिक वह उन्हें शानदार ढंग से प्रस्तुत करते हैं यहाँ सरप्राइज पैकेज है मललाल ठाकुर वह एक चौका देने वाली तेलुगु शुरुआत करती है वह साड़ियों में बहुत खूबसूरत लग रही है और आसानी से परफॉर्मेंस भी कर रही थी उसका निश्चित रूप से उज्जवल भविष्य ही होने वाला है दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो यह मूवी के बारे में कोई और बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप सीतारामम मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीता रामम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा 5 अगस्त 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की रोमांटिक हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी सीता रामम इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनु राघवा पुड़ी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो दुलकर सलमान मुरलाल ठाकुर रश्मिका मंदाना भूमिका चावला गौतम वासुदेव मेनन सुमंत आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में से 8.6 की रेटिंग हासिल है 95 फाइव परसेंट रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है और दोस्तों 97 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक भी किया है यह मूवी का बजट करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 105 करोड़ के आसपास का कारोबार किया था यह मूवी तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी तमिल मलयालम इन सभी भाषाओं में भी इस मूवी को रिलीज किया गया था अगर दोस्तों आप सीता रामा मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी खैर आपने घरों में देख ही ली होगी यह मूवी को हमें डायरेक्ट हिंदी भाषा में सिनेमाघरों में भी रिलीज किया गया था अब दोस्तों सीता रामम मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में बात करें तो पेन मूवीज़ कंपनी की ओर से इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को खरीदा गया था और दोस्तों पेन मूवीज़ वालों ने ही इस मूवी को हिंदी भाषा में डब करवाया है इस मूवी का हिंदी में नाम सीता रामम ही रखा गया था और यह मूवी हमें डायरेक्ट सिनेमाघरों पर देखने को मिली थी जी हाँ दोस्तों यह मूवी सिनेमाघरों में लगी थी और इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर सिर्फ और सिर्फ डिजनी प्लस हॉट स्टार पर जी हाँ दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो यह मूवी की आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों अगर आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो तो सीता रामा मूवी को आप डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर बिल्कुल फ्री में एन्जॉय कर सकते हो जी हाँ दोस्तों यह मूवी आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है और दोस्तों यह मूवी हमें टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड पर भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में आफरीन, का मंदाना लंदन के एक विश्वविद्यालय में पाकिस्तान की छात्र अध्यक्ष है वह अपने दादा की इच्छा के आग्रह पर सीता महालक्ष्मी मनलाल ठाकुर को एक पत्र देने का काम करती है हालांकि उसे नौकरी पसंद नहीं है फिर भी वह अपने दादा की संपत्ति में से अपना हिस्सा पाने के लिए ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है पत्र लेफ्टिनेंट राम दुलके सलमान द्वारा सीता को लिखा गया है यह राम कौन है कौन है सीता महालक्ष्मी राम और आफरीन के दादाजी के बीच क्या संबंध है जवाब जानने के लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हमें काफी ज्यादा पसंद आया है और दोस्तों हर इंडस्ट्री की तरफ से इस मूवी को काफ़ी गजब का रिस्पांस मिला है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी देखने को मिलने वाली है बात करें इस मूवी की प्लस पॉइंट के बारे में दुलकर सलमान कितने शानदार एक्टर है अभिनेता ने एक बार फिर सीता रामम के साथ अपनी काबिलियत साबित की है लेफ्टिनेंट राम के किरदार में उन्होंने जान फूक दी है वह अच्छे दिखते हैं और स्क्रीन प्रेजेंस लाजवाब है चाहे वह भावनात्मक दृश्य हो या रोमांटिक, वह उन्हें शानदार ढंग से प्रस्तुत करते हैं यहाँ सरप्राइज पैकेज है मललाल ठाकुर वह एक चौका देने वाली तेलुगु शुरुआत करती है वह साड़ियों में बहुत खूबसूरत लग रही है और आसानी से परफॉर्मेंस भी कर रही थी उसका निश्चित रूप से उज्जवल भविष्य ही होने वाला है दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो यह मूवी के बारे में कोई और बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप सीतारामम मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीतारामम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा 5 अगस्त 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की रोमांटिक हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी सीता रामम इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनु राघवा पुड़ी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो दुलकर सलमान मुरलाल ठाकुर रश्मिका मंदाना भूमिका चावला गौतम वासुदेव मेनन सुमंत आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं इस मूवी को आई पर 10 में से 8.6 की रेटिंग हासिल है 95 फाइव परसेंट रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है और दोस्तों 97 सेवन परसेंट गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक भी किया है यह मूवी का बजट तीस करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 105 करोड़ के आसपास का कारोबार किया था यह मूवी तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी तमिल मलयालम इन सभी भाषाओं में भी इस मूवी को रिलीज किया गया था अगर दोस्तों आप सीता रामा मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी खैर आपने घरों में देख ही ली होगी यह मूवी को हमें डायरेक्ट हिंदी भाषा में सिनेमाघरों में भी रिलीज़ किया गया था अब दोस्तों सीता रामम मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में बात करें तो पेन मूवीज़ कंपनी की ओर से इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को खरीदा गया था और दोस्तों पेन मूवीज़ वालों ने ही इस मूवी को हिंदी भाषा में डब करवाया है इस मूवी का हिंदी में नाम सीता रामम ही रखा गया था और यह मूवी हमें डायरेक्ट सिनेमाघरों पर देखने को मिली थी जी हाँ दोस्तों यह मूवी सिनेमाघरों में लगी थी और इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर सिर्फ और सिर्फ डिजनी प्लस हॉट स्टार पर जी हाँ दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो यह मूवी की आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों अगर आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो तो सीतारामम मूवी को आप डिजनी प्लस हॉट स्टार पर बिल्कुल फ्री में एन्जॉय कर सकते हो जी हाँ दोस्तों यह मूवी आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है और दोस्तों यह मूवी हमें टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड पर भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में आफरीन, का मंदाना लंदन के एक विश्वविद्यालय में पाकिस्तान की छात्र अध्यक्ष है वह अपने दादा की इच्छा के आग्रह पर सीता महालक्ष्मी मनलाल ठाकुर को एक पत्र देने का काम करती है हालांकि उसे नौकरी पसंद नहीं है फिर भी वह अपने दादा की संपत्ति में से अपना हिस्सा पाने के लिए ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है पत्र लेफ्टिनेंट राम दुल्के सलमान द्वारा सीता को लिखा गया है यह राम कौन है कौन है सीता महालक्ष्मी राम और आफरीन के दादाजी के बीच क्या संबंध है जवाब जानने के लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हमें काफी ज्यादा पसंद आया है और दोस्तों हर इंडस्ट्री की तरफ से इस मूवी को काफ़ी गजब का रिस्पांस मिला है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी देखने को मिलने वाली है बात करें इस मूवी की प्लस पॉइंट के बारे में दुलकर सलमान कितने शानदार एक्टर है अभिनेता ने एक बार फिर सीता रामम के साथ अपनी काबिलियत साबित की है लेफ्टिनेंट राम के किरदार में उन्होंने जान फूक दी है वह अच्छे दिखते हैं और स्किन प्रेजेंस लाजवाब है चाहे वह भावनात्मक दृश्य हो या रोमांटिक, वह उन्हें शानदार ढंग से प्रस्तुत करते हैं यहाँ सरप्राइज पैकेज है मललाल ठाकुर वह एक चौका देने वाली तेलुगु शुरुआत करती है वह साड़ियों में बहुत खूबसूरत लग रही है और आसानी से परफॉर्मेंस भी कर रही थी उसका निश्चित रूप से उज्जवल भविष्य ही होने वाला है दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो यह मूवी के बारे में कोई और बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप सीतारामम मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीता रामम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा 5 अगस्त 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की रोमांटिक हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी सीतारामम इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनुराघवा पुड़ी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो दुलकर सलमान मुरलाल ठाकुर रश्मिका मंदाना भूमिका चावला गौतम वासुदेव मेनन सुमंत आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में से 8.6 की रेटिंग हासिल है 95 फाइव परसेंट रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है और दोस्तों 97 सेवन परसेंट गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक भी किया है यह मूवी का बजट तीस करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 105 करोड़ के आसपास का कारोबार किया था यह मूवी तेलुगु लैंग्वेजेस के साथ साथ हिंदी तमिल मलयालम इन सभी भाषाओं में भी इस मूवी को रिलीज किया गया था अगर दोस्तों आप सीता रामा मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी खैर आपने घरों में देख ही ली होगी यह मूवी को हमें डायरेक्ट हिंदी भाषा में सिनेमाघरों में भी रिलीज किया गया था अब दोस्तों सीता रामम मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में बात करें तो पेन मूवीज़ कंपनी की ओर से इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को खरीदा गया था और दोस्तों पेन मूवीज़ वालों ने ही इस मूवी को हिंदी भाषा में डब करवाया है इस मूवी का हिंदी में नाम सीता रामम ही रखा गया था और यह मूवी हमें डायरेक्ट सिनेमाघरों पर देखने को मिली थी जी हाँ दोस्तों यह मूवी सिनेमाघरों में लगी थी और इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर सिर्फ और सिर्फ डिजनी प्लस हॉट स्टार पर जी हाँ दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो यह मूवी की आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों अगर आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो तो सीतारामम मूवी को आप डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर बिल्कुल फ्री में एन्जॉय कर सकते हो जी हाँ दोस्तों यह मूवी आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है और दोस्तों यह मूवी हमें टेलीविज़न के चैनल स्टार गोल्ड पर भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को कर सकते हो बात करें इस मूवी के के कहानी बारे में आफरीन का मंदाना लंदन के एक विश्वविद्यालय में पाकिस्तान की छात्र अध्यक्ष है वह अपने दादा की इच्छा के आग्रह पर सीता महालक्ष्मी मनलाल ठाकुर को एक पत्र देने का काम करती है हालांकि उसे नौकरी पसंद नहीं है फिर भी वह अपने दादा की संपत्ति में से अपना हिस्सा पाने के लिए ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है पत्र लेफ्टिनेंट राम दुलके सलमान द्वारा सीता को लिखा गया है यह राम कौन है कौन है सीता महालक्ष्मी राम और आफरीन के दादाजी के बीच क्या संबंध है जवाब जानने के लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है और दोस्तों हर इंडस्ट्री की तरफ से इस मूवी को काफ़ी गजब का रिस्पांस मिला है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी देखने को मिलने वाली है बात करें इस मूवी की प्लस पॉइंट के बारे में दुलकर सलमान कितने शानदार एक्टर है अभिनेता ने एक बार फिर सीता रामम के साथ अपनी काबिलियत साबित की है लेफ्टिनेंट राम के किरदार में उन्होंने जान लाजवाब है चाहे वह भावनात्मक दृश्य हो या रोमांटिक, वह उन्हें शानदार ढंग से प्रस्तुत करते हैं यहाँ सरप्राइज पैकेज है मललाल ठाकुर वह एक चौका देने वाली तेलुगु शुरुआत करती है वह साड़ियों में बहुत खूबसूरत लग रही है और आसानी से परफॉर्मेंस भी कर रही थी उसका निश्चित रूप से उज्जवल भविष्य ही होने वाला है दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो यह मूवी के बारे में कोई और बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप सीतारामम मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीतारामम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा 5 अगस्त 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की रोमांटिक हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी सीता रामम इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनु राघवा पुड़ी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो दुलकर सलमान मुरलाल ठाकुर रश्मिका मंदाना भूमिका चावला गौतम वासुदेव मेनन सुमंत आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में से 8.6 की रेटिंग हासिल है 95% फाइव परसेंट रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है और दोस्तों 97% परसेंट गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक भी किया है यह मूवी का बजट 30 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 105 करोड़ के आसपास का कारोबार किया था यह मूवी तेलुगु लैंग्वेजेस के साथ साथ हिंदी तमिल मलयालम इन सभी भाषाओं में भी इस मूवी को रिलीज किया गया था अगर दोस्तों आप सीता रामा मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी खैर आपने घरों में देख ही ली होगी यह मूवी को हमें डायरेक्ट हिंदी भाषा में सिनेमाघरों में भी रिलीज़ किया गया था अब दोस्तों सीता रामम मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में बात करें तो पेन मूवीज़ कंपनी की ओर से इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को ख़रीदा गया था और दोस्तों पेन मूवीज़ वालों ने ही इस मूवी को हिंदी भाषा में डब करवाया है इस मूवी का हिंदी में नाम सीता रामम ही रखा गया था और यह मूवी हमें डायरेक्ट सिनेमाघरों पर देखने को मिली थी जी हाँ दोस्तों यह मूवी सिनेमाघरों में लगी थी और इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर सिर्फ और सिर्फ डिजनी प्लस हॉट स्टार पर जी हाँ दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो यह मूवी की आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों अगर आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो तो सीतारामम मूवी को आप डिजनी प्लस हॉट स्टार पर बिल्कुल फ्री में एन्जॉय कर सकते हो जी हाँ दोस्तों यह मूवी आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है और दोस्तों यह मूवी हमें टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड पर भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में आफरीन रश्मिका मंदाना लंदन के एक विश्वविद्यालय में पाकिस्तान की छात्र अध्यक्ष है वह अपने दादा की इच्छा के आग्रह पर सीता महालक्ष्मी मनलाल ठाकुर को एक पत्र देने का काम करती है हालांकि उसे नौकरी पसंद नहीं है फिर भी वह अपने दादा की संपत्ति में से अपना हिस्सा पाने के लिए ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है पत्र लेफ्टिनेंट राम दुलके सलमान द्वारा सीता को लिखा गया है यह राम कौन है कौन है सीता महालक्ष्मी राम और आफरीन के दादाजी के बीच क्या संबंध है जवाब जानने के लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हमें काफी ज्यादा पसंद आया है और दोस्तों हर इंडस्ट्री की तरफ से इस मूवी को काफी गजब का रिस्पांस मिला है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी देखने को मिलने वाली है बात करें इस मूवी की प्लस पॉइंट के बारे में दुलकर सलमान कितने शानदार एक्टर है अभिनेता ने एक बार फिर सीता रामम के साथ अपनी काबिलियत साबित की है लेफ्टिनेंट राम के किरदार में उन्होंने जान फूक दी है वह अच्छे दिखते हैं और प्रेजेंस लाजवाब है चाहे वह भावनात्मक दृश्य हो या रोमांटिक, वह उन्हें शानदार ढंग से प्रस्तुत करते हैं यहाँ सरप्राइज पैकेज है मललाल ठाकुर वह एक चौका देने वाली तेलुगु शुरुआत करती है वह साड़ियों में बहुत खूबसूरत लग रही है और आसानी से परफॉर्मेंस भी कर रही थी उसका निश्चित रूप से उज्जवल भविष्य ही होने वाला है दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो यह मूवी के बारे में कोई और बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप सीतारामम मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीता रामम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा 5 अगस्त 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की रोमांटिक हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी सीता रामम इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनुराघवा पुड़ी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो दुलकर सलमान मुरलाल ठाकुर रश्मिका मंदाना भूमिका चावला गौतम वासुदेव मेनन सुमंत आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं इस मूवी को आई पर 10 में से 8.6 की रेटिंग हासिल है 95 फाइव परसेंट रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है और दोस्तों 97 सेवन परसेंट गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक भी किया है यह मूवी का बजट तीस करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 105 करोड़ के आसपास का कारोबार किया था यह मूवी तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी तमिल मलयालम इन सभी भाषाओं में भी इस मूवी को रिलीज किया गया था अगर दोस्तों आप सीता रामा मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी खैर आपने घरों में देख ही ली होगी यह मूवी को हमें डायरेक्ट हिंदी भाषा में सिनेमाघरों में भी रिलीज किया गया था अब दोस्तों सीता रामम मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में बात करें तो पेन मूवीज़ कंपनी की ओर से इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को खरीदा गया था और दोस्तों पेन मूवीज़ वालों ने ही इस मूवी को हिंदी भाषा में डब करवाया है इस मूवी का हिंदी में नाम सीता रामम ही रखा गया था और यह मूवी हमें डायरेक्ट सिनेमाघरों पर देखने को मिली थी जी हाँ दोस्तों यह मूवी सिनेमाघरों में लगी थी और इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर सिर्फ और सिर्फ डिजनी प्लस हॉट स्टार पर जी हाँ दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो यह मूवी की आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों अगर आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो तो सीतारामम मूवी को आप डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर बिल्कुल फ्री में एन्जॉय कर सकते हो जी हाँ दोस्तों यह मूवी आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है और दोस्तों यह मूवी हमें टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड पर भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में आफरीनिका मंदाना लंदन के एक विश्वविद्यालय में पाकिस्तान की छात्र अध्यक्ष है वह अपने दादा की इच्छा के आग्रह पर सीता महालक्ष्मी मनलाल ठाकुर को एक पत्र देने का काम करती है हालांकि उसे नौकरी पसंद नहीं है फिर भी वह अपने दादा की संपत्ति में से अपना हिस्सा पाने के लिए ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है पत्र लेफ्टिनेंट राम दुलके सलमान द्वारा सीता को लिखा गया है यह राम कौन है कौन है सीता महालक्ष्मी राम और आफरीन के दादाजी के बीच क्या संबंध है जवाब जानने के लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हमें काफी ज्यादा पसंद आया है और दोस्तों हर इंडस्ट्री की तरफ से इस मूवी को काफी गजब का रिस्पांस मिला है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी देखने को मिलने वाली है बात करें इस मूवी की प्लस पॉइंट के बारे में दुलकर सलमान कितने शानदार एक्टर हैं अभिनेता ने एक बार फिर सीता रामम के साथ अपनी काबिलियत साबित की है लेफ्टिनेंट राम के किरदार में उन्होंने जान फूंक दी है वह अच्छे दिखते हैं और प्रेजेंस लाजवाब है चाहे वह भावनात्मक दृश्य हो या रोमांटिक, वह उन्हें शानदार ढंग से प्रस्तुत करते हैं यहाँ सरप्राइज पैकेज है मललाल ठाकुर वह एक चौका देने वाली तेलुगु शुरुआत करती है वह साड़ियों में बहुत खूबसूरत लग रही है और आसानी से परफॉर्मेंस भी कर रही थी उसका निश्चित रूप से उज्जवल भविष्य ही होने वाला है दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो यह मूवी के बारे में कोई और बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप सीतारामम मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीतारामम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा 5 अगस्त 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की रोमांटिक हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी सीतारामम इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनु राघवा पुड़ी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो दुलकर सलमान मुरलाल ठाकुर रश्मिका मंदाना भूमिका चावला गौतम वासुदेव मेनन सुमंत आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में से 8.6 की रेटिंग हासिल है 95 फाइव परसेंट रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है और दोस्तों 97 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक भी किया है यह मूवी का बजट 30 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 105 करोड़ के आसपास का कारोबार किया था यह मूवी तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी तमिल मलयालम इन सभी भाषाओं में भी इस मूवी को रिलीज किया गया था अगर दोस्तों आप सीता रामा मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी खैर आपने घरों में देख ही ली होगी यह मूवी को हमें डायरेक्ट हिंदी भाषा में सिनेमाघरों में भी रिलीज़ किया गया था अब दोस्तों सीता रामम मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में बात करें तो पेन मूवीज़ कंपनी की ओर से इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को खरीदा गया था और दोस्तों पेन मूवीज़ वालों ने ही इस मूवी को हिंदी भाषा में डब करवाया है इस मूवी का हिंदी में नाम सीता रामम ही रखा गया था और यह मूवी हमें डायरेक्ट सिनेमाघरों पर देखने को मिली थी जी हाँ दोस्तों यह मूवी सिनेमाघरों में लगी थी और इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर सिर्फ और सिर्फ डिजनी प्लस हॉट स्टार पर जी हाँ दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो यह मूवी की आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों अगर आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो तो सीतारामम मूवी को आप डिजनी प्लस हॉट स्टार पर बिल्कुल फ्री में एन्जॉय कर सकते हो जी हाँ दोस्तों यह मूवी आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है और दोस्तों यह मूवी हमें टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड पर भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में आफरीन रश्मिका मंदाना लंदन के एक विश्वविद्यालय में पाकिस्तान की छात्र अध्यक्ष है वह अपने दादा की इच्छा के आग्रह पर सीता महालक्ष्मी मनलाल ठाकुर को एक पत्र देने का काम करती है हालांकि उसे नौकरी पसंद नहीं है फिर भी वह अपने दादा की संपत्ति में से अपना हिस्सा पाने के लिए ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है पत्र लेफ्टिनेंट राम दुलके सलमान द्वारा सीता को लिखा गया है यह राम कौन है कौन है सीता महालक्ष्मी राम और आफरीन के दादाजी के बीच क्या संबंध है जवाब जानने के लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है और दोस्तों हर इंडस्ट्री की तरफ से इस मूवी को काफ़ी गजब का रिस्पांस मिला है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी देखने को मिलने वाली है बात करें इस मूवी की प्लस पॉइंट के बारे में दुलकर सलमान कितने शानदार एक्टर हैं अभिनेता ने एक बार फिर सीता रामम के साथ अपनी काबिलियत साबित की है लेफ्टिनेंट राम के किरदार में उन्होंने जान फूक दी है वह अच्छे दिखते हैं और प्रेजेंस लाजवाब है चाहे वह भावनात्मक दृश्य हो या रोमांटिक, वह उन्हें शानदार ढंग से प्रस्तुत करते हैं यहाँ सरप्राइज पैकेज है मललाल ठाकुर वह एक चौका देने वाली तेलुगु शुरुआत करती है वह साड़ियों में बहुत खूबसूरत लग रही है और आसानी से परफॉर्मेंस भी कर रही थी उसका निश्चित रूप से उज्जवल भविष्य ही होने वाला है दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो यह मूवी के बारे में कोई और बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप सीतारामम मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीता रामम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा 5 अगस्त 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की रोमांटिक हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी सीता रामम इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनु राघवा पुड़ी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो दुलकर सलमान मुरलाल ठाकुर रश्मिका मंदाना भूमिका चावला गौतम वासुदेव मेनन सुमंत आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं इस मूवी को आई पर 10 में से 8.6 की रेटिंग हासिल है 95% फाइव परसेंट रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है और दोस्तों 97% सेवन परसेंट गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक भी किया है यह मूवी का बजट तीस करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 105 करोड़ के आसपास का कारोबार किया था यह मूवी तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी तमिल मलयालम इन सभी भाषाओं में भी इस मूवी को रिलीज किया गया था अगर दोस्तों आप सीता रामा मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी खैर आपने घरों में देख ही ली होगी यह मूवी को हमें डायरेक्ट हिंदी भाषा में सिनेमाघरों में भी रिलीज किया गया था अब दोस्तों सीता रामम मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में बात करें तो पेन मूवीज़ कंपनी की ओर से इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को खरीदा गया था और दोस्तों पेन मूवीज़ वालों ने ही इस मूवी को हिंदी भाषा में डब करवाया है इस मूवी का हिंदी में नाम सीता रामम ही रखा गया था और यह मूवी हमें डायरेक्ट सिनेमाघरों पर देखने को मिली थी जी हाँ दोस्तों यह मूवी सिनेमाघरों में लगी थी और इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर सिर्फ और सिर्फ डिजनी प्लस हॉट स्टार पर जी हाँ दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो यह मूवी की आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों अगर आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो तो सीतारामम मूवी को आप डिजनी प्लस हॉट स्टार पर बिल्कुल फ्री में इन्जॉय कर सकते हो जी हाँ दोस्तों यह मूवी आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है और दोस्तों यह मूवी हमें टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड पर भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में आफरीन का मंदाना लंदन के एक विश्वविद्यालय में पाकिस्तान की छात्र अध्यक्ष है वह अपने दादा की इच्छा के आग्रह पर सीता महालक्ष्मी मनलाल ठाकुर को एक पत्र देने का काम करती है हालांकि उसे नौकरी पसंद नहीं है फिर भी वह अपने दादा की संपत्ति में से अपना हिस्सा पाने के लिए ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है पत्र लेफ्टिनेंट राम दुल्के सलमान द्वारा सीता को लिखा गया है यह राम कौन है कौन है सीता महालक्ष्मी राम और आफरीन के दादाजी के बीच क्या संबंध है जवाब जानने के लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हमें काफी ज्यादा पसंद आया है और दोस्तों हर इंडस्ट्री की तरफ से इस मूवी को काफ़ी गजब का रिस्पांस मिला है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी देखने को मिलने वाली है बात करें इस मूवी की प्लस पॉइंट के बारे में दुलकर सलमान कितने शानदार एक्टर है अभिनेता ने एक बार फिर सीता रामम के साथ अपनी काबिलियत साबित की है लेफ्टिनेंट राम के किरदार में उन्होंने जान फूक दी है वह अच्छे दिखते हैं और स्किन प्रेजेंस लाजवाब है चाहे वह भावनात्मक दृश्य हो या रोमांटिक, वह उन्हें शानदार ढंग से प्रस्तुत करते हैं यहाँ सरप्राइज पैकेज है मललाल ठाकुर वह एक चौका देने वाली तेलुगु शुरुआत करती है वह साड़ियों में बहुत खूबसूरत लग रही है और आसानी से परफॉर्मेंस भी कर रही थी उसका निश्चित रूप से उज्जवल भविष्य ही होने वाला है दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो यह मूवी के बारे में कोई और बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप सीतारामम मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीता रामम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा 5 अगस्त 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की रोमांटिक हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी सीतारामम इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनु पुड़ी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो दुलकर सलमान मुरलाल ठाकुर रश्मिका मंदाना भूमिका चावला गौतम वासुदेव मेनन सुमंत आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में से 8.6 की रेटिंग हासिल है 95 फाइव परसेंट रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है और दोस्तों 97 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक भी किया है यह मूवी का बजट तीस करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 105 करोड़ के आसपास का कारोबार किया था यह मूवी तेलुगु लैंग्वेजेस के साथ साथ हिंदी तमिल मलयालम इन सभी भाषाओं में भी इस मूवी को रिलीज किया गया था अगर दोस्तों आप सीता रामा मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी खैर आपने घरों में देख ही ली होगी यह मूवी को हमें डायरेक्ट हिंदी भाषा में सिनेमाघरों में भी रिलीज किया गया था अब दोस्तों सीता रामम मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में बात करें तो पेन मूवीज़ कंपनी की ओर से इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को खरीदा गया था और दोस्तों पेन मूवीज़ वालों ने ही इस मूवी को हिंदी भाषा में डब करवाया है इस मूवी का हिंदी में नाम सीता रामम ही रखा गया था और यह मूवी हमें डायरेक्ट सिनेमाघरों पर देखने को मिली थी जी हाँ दोस्तों यह मूवी सिनेमाघरों में लगी थी और इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर सिर्फ और सिर्फ डिजनी प्लस हॉट स्टार पर जी हाँ दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो यह मूवी की आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों अगर आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो तो सीताराम मूवी को आप डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर बिल्कुल फ्री में एन्जॉय कर सकते हो जी हाँ दोस्तों यह मूवी आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है और दोस्तों यह मूवी हमें टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड पर भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में आफरीन का मंदाना लंदन के एक विश्वविद्यालय में पाकिस्तान की छात्र अध्यक्ष है वह अपने दादा की इच्छा के आग्रह पर सीता महालक्ष्मी मनलाल ठाकुर को एक पत्र देने का काम करती है हालांकि उसे नौकरी पसंद नहीं है फिर भी वह अपने दादा की संपत्ति में से अपना हिस्सा पाने के लिए ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है पत्र लेफ्टिनेंट राम दुल्कि सलमान द्वारा सीता को लिखा गया है यह राम कौन है कौन है सीता महालक्ष्मी राम और आफरीन के दादाजी के बीच क्या संबंध है जवाब जानने के लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हमें काफी ज्यादा पसंद आया है और दोस्तों हर इंडस्ट्री की तरफ से इस मूवी को काफ़ी गजब का रिस्पांस मिला है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी देखने को मिलने वाली है बात करें इस मूवी की प्लस पॉइंट के बारे में दुलकर सलमान कितने शानदार एक्टर है अभिनेता ने एक बार फिर सीता रामम के साथ अपनी काबिलियत साबित की है लेफ्टिनेंट राम के किरदार में उन्होंने जान फूक दी है वह अच्छे दिखते हैं और स्क्रीन प्रेजेंस लाजवाब है चाहे वह भावनात्मक दृश्य हो या रोमांटिक, वह उन्हें शानदार ढंग से प्रस्तुत करते हैं यहाँ सरप्राइज पैकेज है मललाल ठाकुर वह एक चौका देने वाली तेलुगु शुरुआत करती है वह साड़ियों में बहुत खूबसूरत लग रही है और आसानी से परफॉर्मेंस भी कर रही थी उसका निश्चित रूप से उज्जवल भविष्य ही होने वाला है दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो यह मूवी के बारे में कोई और बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप सीतारामम मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीतारामम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा 5 अगस्त 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की रोमांटिक हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी सीता रामम इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनु राघवा पुड़ी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो दुलकर सलमान मुरलाल ठाकुर रश्मिका मंदाना भूमिका चावला गौतम वासुदेव मेनन सुमंत आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में से 8.6 की रेटिंग हासिल है 95% परसेंट रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है और दोस्तों 97% परसेंट गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक भी किया है यह मूवी का बजट 30 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 105 करोड़ के आसपास का कारोबार किया था यह मूवी तेलुगु लैंग्वेजेस के साथ साथ हिंदी तमिल मलयालम इन सभी भाषाओं में भी इस मूवी को रिलीज किया गया था अगर दोस्तों आप सीता रामा मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी खैर आपने घरों में देख ही ली होगी यह मूवी को हमें डायरेक्ट हिंदी भाषा में सिनेमाघरों में भी रिलीज़ किया गया था अब दोस्तों सीता रामम मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में बात करें तो पेन मूवीज़ कंपनी की ओर से इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को खरीदा गया था और दोस्तों पेन मूवीज़ वालों ने ही इस मूवी को हिंदी भाषा में डब करवाया है इस मूवी का हिंदी में नाम सीता रामम ही रखा गया था और यह मूवी हमें डायरेक्ट सिनेमाघरों पर देखने को मिली थी जी हाँ दोस्तों यह मूवी सिनेमाघरों में लगी थी और इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर सिर्फ और सिर्फ डिजनी प्लस हॉट स्टार पर जी हाँ दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो यह मूवी की आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों अगर आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो तो सीताराम मूवी को आप डिजनी प्लस हॉट स्टार पर बिल्कुल फ्री में एन्जॉय कर सकते हो जी हाँ दोस्तों यह मूवी आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है और दोस्तों यह मूवी हमें टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड पर भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में आफरीन का मंदाना लंदन के एक विश्वविद्यालय में पाकिस्तान की छात्र अध्यक्ष है वह अपने दादा की इच्छा के आग्रह पर सीता महालक्ष्मी मनलाल ठाकुर को एक पत्र देने का काम करती है हालांकि उसे नौकरी पसंद नहीं है फिर भी वह अपने दादा की संपत्ति में से अपना हिस्सा पाने के लिए ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है पत्र लेफ्टिनेंट रामक सलमान द्वारा सीता को लिखा गया है यह राम कौन है कौन है सीता महालक्ष्मी राम और आफरीन के दादाजी के बीच क्या संबंध है जवाब जानने के लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हमें काफी ज्यादा पसंद आया है और दोस्तों हर इंडस्ट्री की तरफ से इस मूवी को काफ़ी गजब का रिस्पांस मिला है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी देखने को मिलने वाली है बात करें इस मूवी की प्लस पॉइंट के बारे में दुलकर सलमान कितने शानदार एक्टर है अभिनेता ने एक बार फिर सीता रामम के साथ अपनी काबिलियत साबित की है लेफ्टिनेंट राम के किरदार में उन्होंने जान फूक दी है वह अच्छे दिखते हैं और स्किन प्रेजेंस लाजवाब है चाहे वह भावनात्मक दृश्य हो या रोमांटिक वह उन्हें शानदार ढंग से प्रस्तुत करते हैं यहाँ सरप्राइज पैकेज है मललाल ठाकुर वह एक चौका देने वाली तेलुगु शुरुआत करती है वह साड़ियों में बहुत खूबसूरत लग रही है और आसानी से परफॉर्मेंस भी कर रही थी उसका निश्चित रूप से उज्जवल भविष्य ही होने वाला है दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो यह मूवी के बारे में कोई और बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप सीता रामम मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीता रामम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा 5 अगस्त 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की रोमांटिक हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी सीतारामम इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनुराघवा पुड़ी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो दुलकर सलमान मुरलाल ठाकुर रश्मिका मंदाना भूमिका चावला गौतम वासुदेव मेनन सुमंत आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में से 8.6 की रेटिंग हासिल है 95% फाइव परसेंट रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है और दोस्तों 97% परसेंट गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक भी किया है यह मूवी का बजट 30 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 105 करोड़ के आसपास का कारोबार किया था यह मूवी तेलुगु लैंग्वेजेस के साथ साथ हिंदी तमिल मलयालम इन सभी भाषाओं में भी इस मूवी को रिलीज किया गया था अगर दोस्तों आप सीता रामा मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी खैर आपने घरों में देख ही ली होगी यह मूवी को हमें डायरेक्ट हिंदी भाषा में सिनेमाघरों में भी रिलीज किया गया था अब दोस्तों सीता रामम मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में बात करें तो पेन मूवीज़ कंपनी की ओर से इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को खरीदा गया था और दोस्तों पेन मूवीज़ वालों ने ही इस मूवी को हिंदी भाषा में डब करवाया है इस मूवी का हिंदी में नाम सीता रामम ही रखा गया था और यह मूवी हमें डायरेक्ट सिनेमाघरों पर देखने को मिली थी जी हाँ दोस्तों यह मूवी सिनेमाघरों में लगी थी और इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर सिर्फ और सिर्फ डिजनी प्लस हॉट स्टार पर जी हाँ दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो यह मूवी की आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों अगर आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो तो सीतारामम मूवी को आप डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर बिल्कुल फ्री में इन्जॉय कर सकते हो जी हाँ दोस्तों यह मूवी आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है और दोस्तों यह मूवी हमें टेलीविज़न के चैनल स्टार गोल्ड पर भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में आफरीन रश्मि मंदाना लंदन के एक विश्वविद्यालय में पाकिस्तान की छात्र अध्यक्ष है वह अपने दादा की इच्छा के आग्रह पर सीता महालक्ष्मी मनलाल ठाकुर को एक पत्र देने का काम करती है हालांकि उसे नौकरी पसंद नहीं है फिर भी वह अपने दादा की संपत्ति में से अपना हिस्सा पाने के लिए ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है पत्र लेफ्टिनेंट राम दुलकिर सलमान द्वारा सीता को लिखा गया है यह राम कौन है कौन है सीता महालक्ष्मी राम और आफरीन के दादाजी के बीच क्या संबंध है जवाब जानने के लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हमें काफी ज्यादा पसंद आया है और दोस्तों हर इंडस्ट्री की तरफ से इस मूवी को काफ़ी गजब का रिस्पांस मिला है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी देखने को मिलने वाली है बात करें इस मूवी की प्लस पॉइंट के बारे में दुलकर सलमान कितने शानदार एक्टर है अभिनेता ने एक बार फिर सीता रामम के साथ अपनी काबिलियत साबित की है लेफ्टिनेंट राम के किरदार में उन्होंने जान फूक दी है वह अच्छे दिखते हैं और स्क्रीन प्रेजेंस लाजवाब है चाहे वह भावनात्मक दृश्य हो या रोमांटिक, वह उन्हें शानदार ढंग से प्रस्तुत करते हैं यहाँ सरप्राइज पैकेज है मललाल ठाकुर वह एक चौका देने वाली तेलुगु शुरुआत करती है वह साड़ियों में बहुत खूबसूरत लग रही है और आसानी से परफॉर्मेंस भी कर रही थी उसका निश्चित रूप से उज्जवल भविष्य ही होने वाला है दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो यह मूवी के बारे में कोई और बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप सीतारामम मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीतारामम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा 5 अगस्त 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की रोमांटिक हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी सीता रामम इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनु राघवा पुड़ी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो दुलकर सलमान मुरलाल ठाकुर रश्मिका मंदाना भूमिका चावला गौतम वासुदेव मेनन सुमंत आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में से 8.6 की रेटिंग हासिल है 95 फाइव परसेंट रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है और दोस्तों 97 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक भी किया है यह मूवी का बजट 30 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 105 करोड़ के आसपास का कारोबार किया था यह मूवी तेलुगु लैंग्वेजेस के साथ साथ हिंदी तमिल मलयालम इन सभी भाषाओं में भी इस मूवी को रिलीज किया गया था अगर दोस्तों आप सीता रामा मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी खैर आपने घरों में देख ही ली होगी यह मूवी को हमें डायरेक्ट हिंदी भाषा में सिनेमाघरों में भी रिलीज़ किया गया था अब दोस्तों सीता रामम मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में बात करें तो पेन मूवीज़ कंपनी की ओर से इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को खरीदा गया था और दोस्तों पेन मूवीज़ वालों ने ही इस मूवी को हिंदी भाषा में डब करवाया है इस मूवी का हिंदी में नाम सीता रामम ही रखा गया था और यह मूवी हमें डायरेक्ट सिनेमाघरों पर देखने को मिली थी जी हाँ दोस्तों यह मूवी सिनेमाघरों में लगी थी और इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर सिर्फ और सिर्फ डिजनी प्लस हॉट स्टार पर जी हाँ दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो यह मूवी की आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों अगर आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो तो सीतारामम मूवी को आप डिजनी प्लस हॉट स्टार पर बिल्कुल फ्री में एन्जॉय कर सकते हो जी हाँ दोस्तों यह मूवी आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है और दोस्तों यह मूवी हमें टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड पर भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में आफरीन का मंदाना लंदन के एक विश्वविद्यालय में पाकिस्तान की छात्र अध्यक्ष है वह अपने दादा की इच्छा के आग्रह पर सीता महालक्ष्मी मनलाल ठाकुर को एक पत्र देने का काम करती है हालांकि उसे नौकरी पसंद नहीं है फिर भी वह अपने दादा की संपत्ति में से अपना हिस्सा पाने के लिए ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है पत्र लेफ्टिनेंट राम दुल्कि सलमान द्वारा सीता को लिखा गया है यह राम कौन है कौन है सीता महालक्ष्मी राम और आफरीन के दादाजी के बीच क्या संबंध है जवाब जानने के लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हमें काफी ज्यादा पसंद आया है और दोस्तों हर इंडस्ट्री की तरफ से इस मूवी को काफ़ी गजब का रिस्पांस मिला है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी देखने को मिलने वाली है बात करें इस मूवी की प्लस पॉइंट के बारे में दुलकर सलमान कितने शानदार एक्टर है अभिनेता ने एक बार फिर सीता रामम के साथ अपनी काबिलियत साबित की है लेफ्टिनेंट राम के किरदार में उन्होंने जान फूक दी है वह अच्छे दिखते हैं और स्क्रीन प्रेजेंस लाजवाब है चाहे वह भावनात्मक दृश्य हो या रोमांटिक, वह उन्हें शानदार ढंग से प्रस्तुत करते हैं यहाँ सरप्राइज पैकेज है मललाल ठाकुर वह एक चौका देने वाली तेलुगु शुरुआत करती है वह साड़ियों में बहुत खूबसूरत लग रही है और आसानी से परफॉर्मेंस भी कर रही थी उसका निश्चित रूप से उज्जवल भविष्य ही होने वाला है दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो यह मूवी के बारे में कोई और बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप सीतारामम मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीता रामम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा पांच अगस्त 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की रोमांटिक हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी सीता रामम इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनु पुड़ी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो दुलकर सलमान मुरलाल ठाकुर रश्मिका मंदाना भूमिका चावला गौतम वासुदेव मेनन सुमंत आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं इस मूवी को आई पर 10 में से 8.6 की रेटिंग हासिल है 95 फाइव परसेंट रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है और दोस्तों 97 सेवन परसेंट गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक भी किया है यह मूवी का बजट तीस करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 105 करोड़ के आसपास का कारोबार किया था यह मूवी तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी तमिल मलयालम इन सभी भाषाओं में भी इस मूवी को रिलीज किया गया था अगर दोस्तों आप सीता रामा मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी खैर आपने घरों में देख ही ली होगी यह मूवी को हमें डायरेक्ट हिंदी भाषा में सिनेमाघरों में भी रिलीज किया गया था अब दोस्तों सीता रामम मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में बात करें तो पेन मूवीज़ कंपनी की ओर से इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को खरीदा गया था और दोस्तों पेन मूवीज़ वालों ने ही इस मूवी को हिंदी भाषा में डब करवाया है इस मूवी का हिंदी में नाम सीता रामम ही रखा गया था और यह मूवी हमें डायरेक्ट सिनेमाघरों पर देखने को मिली थी जी हाँ दोस्तों यह मूवी सिनेमाघरों में लगी थी और इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर सिर्फ और सिर्फ डिजनी प्लस हॉट स्टार पर जी हाँ दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो यह मूवी की आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों अगर आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो तो सीतारामम मूवी को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में इन्जॉय कर सकते हो जी हाँ दोस्तों यह मूवी आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है और दोस्तों यह मूवी हमें टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड पर भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में आफरीन का मंदाना लंदन के एक विश्वविद्यालय में पाकिस्तान की छात्र अध्यक्ष है वह अपने दादा की इच्छा के आग्रह पर सीता महालक्ष्मी मनलाल ठाकुर को एक पत्र देने का काम करती है हालांकि उसे नौकरी पसंद नहीं है फिर भी वह अपने दादा की संपत्ति में से अपना हिस्सा पाने के लिए ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है पत्र लेफ्टिनेंट राम दुल्कि सलमान द्वारा सीता को लिखा गया है यह राम कौन है कौन है सीता महालक्ष्मी राम और आफरीन के दादाजी के बीच क्या संबंध है जवाब जानने के लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हमें काफी ज्यादा पसंद आया है और दोस्तों हर इंडस्ट्री की तरफ से इस मूवी को काफ़ी गजब का रिस्पांस मिला है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी देखने को मिलने वाली है बात करें इस मूवी की प्लस पॉइंट के बारे में दुलकर सलमान कितने शानदार एक्टर है अभिनेता ने एक बार फिर सीता रामम के साथ अपनी काबिलियत साबित की है लेफ्टिनेंट राम के किरदार में उन्होंने जान फूक दी है वह अच्छे दिखते हैं और स्क्रीन प्रेजेंस लाजवाब है चाहे वह भावनात्मक दृश्य हो या रोमांटिक, वह उन्हें शानदार ढंग से प्रस्तुत करते हैं यहाँ सरप्राइज पैकेज है मललाल ठाकुर वह एक चौका देने वाली तेलुगु शुरुआत करती है वह साड़ियों में बहुत खूबसूरत लग रही है और आसानी से परफॉर्मेंस भी कर रही थी उसका निश्चित रूप से उज्जवल भविष्य ही होने वाला है दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो यह मूवी के बारे में कोई और बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप सीतारामम मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीता रामम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा 5 अगस्त 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की रोमांटिक हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी सीता रामम इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनु राघवा पुड़ी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो दुलकर सलमान मुरलाल ठाकुर रश्मिका मंदाना भूमिका चावला गौतम वासुदेव मेनन सुमंत आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में से 8.6 की रेटिंग हासिल है 95 फाइव परसेंट रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है और दोस्तों 97 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक भी किया है यह मूवी का बजट 30 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 105 करोड़ के आसपास का कारोबार किया था यह मूवी तेलुगु लैंग्वेजेस के साथ साथ हिंदी तमिल मलयालम इन सभी भाषाओं में भी इस मूवी को रिलीज किया गया था अगर दोस्तों आप सीता रामा मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी खैर आपने घरों में देख ही ली होगी यह मूवी को हमें डायरेक्ट हिंदी भाषा में सिनेमाघरों में भी रिलीज किया गया था अब दोस्तों सीता रामम मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में बात करें तो पेन मूवीज कंपनी की ओर से इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को खरीदा गया था और दोस्तों पेन मूवीज़ वालों ने ही इस मूवी को हिंदी भाषा में डब करवाया है इस मूवी का हिंदी में नाम सीता रामम ही रखा गया था और यह मूवी हमें डायरेक्ट सिनेमाघरों पर देखने को मिली थी जी हाँ दोस्तों यह मूवी सिनेमाघरों में लगी थी और इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर सिर्फ और सिर्फ डिजनी प्लस हॉट स्टार पर जी हाँ दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो यह मूवी की आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों अगर आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो तो सीताराम मूवी को आप डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर बिल्कुल फ्री में एन्जॉय कर सकते हो जी हाँ दोस्तों यह मूवी आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है और दोस्तों यह मूवी हमें टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड पर भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में आफरीन, का मंदाना लंदन के एक विश्वविद्यालय में पाकिस्तान की छात्र अध्यक्ष है वह अपने दादा की इच्छा के आग्रह पर सीता महालक्ष्मी मनलाल ठाकुर को एक पत्र देने का काम करती है हालांकि उसे नौकरी पसंद नहीं है फिर भी वह अपने दादा की संपत्ति में से अपना हिस्सा पाने के लिए ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है पत्र लेफ्टिनेंट राम दुलके सलमान द्वारा सीता को लिखा गया है यह राम कौन है कौन है सीता महालक्ष्मी राम और आफरीन के दादाजी के बीच क्या संबंध है जवाब जानने के लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हमें काफी ज्यादा पसंद आया है और दोस्तों हर इंडस्ट्री की तरफ से इस मूवी को काफ़ी गजब का रिस्पांस मिला है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी देखने को मिलने वाली है बात करें इस मूवी की प्लस पॉइंट के बारे में दुलकर सलमान कितने शानदार एक्टर है अभिनेता ने एक बार फिर सीता रामम के साथ अपनी काबिलियत साबित की है लेफ्टिनेंट राम के किरदार में उन्होंने जान फूक दी है वह अच्छे दिखते हैं और स्क्रीन प्रेजेंस लाजवाब है चाहे वह भावनात्मक दृश्य हो या रोमांटिक, वह उन्हें शानदार ढंग से प्रस्तुत करते हैं यहाँ सरप्राइज पैकेज है मललाल ठाकुर वह एक चौका देने वाली तेलुगु शुरुआत करती है वह साड़ियों में बहुत खूबसूरत लग रही है और आसानी से परफॉर्मेंस भी कर रही थी उसका निश्चित रूप से उज्जवल भविष्य ही होने वाला है दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो यह मूवी के बारे में कोई और बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप सीतारामम मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीतारामम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा 5 अगस्त 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की रोमांटिक हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी सीता रामम इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनु राघवा पुड़ी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो दुलकर सलमान मुरलाल ठाकुर रश्मिका मंदाना भूमिका चावला गौतम वासुदेव मेनन सुमंत आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं इस मूवी को आई पर 10 में से 8.6 की रेटिंग हासिल है 95% फाइव परसेंट रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है और दोस्तों 97% सेवन परसेंट गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक भी किया है यह मूवी का बजट तीस करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 105 करोड़ के आसपास का कारोबार किया था यह मूवी तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी तमिल मलयालम इन सभी भाषाओं में भी इस मूवी को रिलीज किया गया था अगर दोस्तों आप सीता रामा मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी खैर आपने घरों में देख ही ली होगी यह मूवी को हमें डायरेक्ट हिंदी भाषा में सिनेमाघरों में भी रिलीज़ किया गया था अब दोस्तों सीता रामम मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में बात करें तो पेन मूवीज़ कंपनी की ओर से इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को खरीदा गया था और दोस्तों पेन मूवीज़ वालों ने ही इस मूवी को हिंदी भाषा में डब करवाया है इस मूवी का हिंदी में नाम सीता रामम ही रखा गया था और यह मूवी हमें डायरेक्ट सिनेमाघरों पर देखने को मिली थी जी हाँ दोस्तों यह मूवी सिनेमाघरों में लगी थी और इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर सिर्फ और सिर्फ डिजनी प्लस हॉट स्टार पर जी हाँ दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो यह मूवी की आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों अगर आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो तो सीतारामम मूवी को आप डिजनी प्लस हॉट स्टार पर बिल्कुल फ्री में एन्जॉय कर सकते हो जी हाँ दोस्तों यह मूवी आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है और दोस्तों यह मूवी हमें टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड पर भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में आफरीन, का मंदाना लंदन के एक विश्वविद्यालय में पाकिस्तान की छात्र अध्यक्ष है वह अपने दादा की इच्छा के आग्रह पर सीता महालक्ष्मी मनलाल ठाकुर को एक पत्र देने का काम करती है हालांकि उसे नौकरी पसंद नहीं है फिर भी वह अपने दादा की संपत्ति में से अपना हिस्सा पाने के लिए ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है पत्र लेफ्टिनेंट राम दुल्के सलमान द्वारा सीता को लिखा गया है यह राम कौन है कौन है सीता महालक्ष्मी राम और आफरीन के दादाजी के बीच क्या संबंध है जवाब जानने के लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हमें काफी ज्यादा पसंद आया है और दोस्तों हर इंडस्ट्री की तरफ से इस मूवी को काफ़ी गजब का रिस्पांस मिला है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी देखने को मिलने वाली है बात करें इस मूवी की प्लस पॉइंट के बारे में दुलकर सलमान कितने शानदार एक्टर हैं अभिनेता ने एक बार फिर सीता रामम के साथ अपनी काबिलियत साबित की है लेफ्टिनेंट राम के किरदार में उन्होंने जान फूक दी है वह अच्छे दिखते हैं और स्किन प्रेजेंस लाजवाब है चाहे वह भावनात्मक दृश्य हो या रोमांटिक, वह उन्हें शानदार ढंग से प्रस्तुत करते हैं यहाँ सरप्राइज पैकेज है मल ठाकुर वह एक चौका देने वाली तेलुगु शुरुआत करती है वह साड़ियों में बहुत खूबसूरत लग रही है और आसानी से परफॉर्मेंस भी कर रही थी उसका निश्चित रूप से उज्जवल भविष्य ही होने वाला है दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो यह मूवी के बारे में कोई और बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप सीता रामम मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीता रामम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा 5 अगस्त 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की रोमांटिक हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी सीतारामम इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनुराघवा पुड़ी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो दुलकर सलमान मुरलाल ठाकुर रश्मिका मंदाना भूमिका चावला गौतम वासुदेव मेनन सुमंत आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में से 8.6 की रेटिंग हासिल है 95 फाइव परसेंट रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है और दोस्तों 97 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक भी किया है यह मूवी का बजट 30 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 105 करोड़ के आसपास का कारोबार किया था यह मूवी तेलुगु लैंग्वेजेस के साथ साथ हिंदी तमिल मलयालम इन सभी भाषाओं में भी इस मूवी को रिलीज किया गया था अगर दोस्तों आप सीता रामा मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी खैर आपने घरों में देख ही ली होगी यह मूवी को हमें डायरेक्ट हिंदी भाषा में सिनेमाघरों में भी रिलीज किया गया था अब दोस्तों सीता रामम मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में बात करें तो पेन मूवीज़ कंपनी की ओर से इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को खरीदा गया था और दोस्तों पेन मूवीज़ वालों ने ही इस मूवी को हिंदी भाषा में डब करवाया है इस मूवी का हिंदी में नाम सीता रामम ही रखा गया था और यह मूवी हमें डायरेक्ट सिनेमाघरों पर देखने को मिली थी जी हाँ दोस्तों यह मूवी सिनेमाघरों में लगी थी और इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर सिर्फ और सिर्फ डिजनी प्लस हॉट स्टार पर जी हाँ दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो यह मूवी की आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों अगर आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो तो सीतारामम मूवी को आप डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर बिल्कुल फ्री में एन्जॉय कर सकते हो जी हाँ दोस्तों यह मूवी आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है और दोस्तों यह मूवी हमें टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड पर भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को कर सकते हो बात करें इस मूवी के के कहानी बारे में आफरीन का मंदाना लंदन के एक विश्वविद्यालय में पाकिस्तान की छात्र अध्यक्ष है वह अपने दादा की इच्छा के आग्रह पर सीता महालक्ष्मी मनलाल ठाकुर को एक पत्र देने का काम करती है हालांकि उसे नौकरी पसंद नहीं है फिर भी वह अपने दादा की संपत्ति में से अपना हिस्सा पाने के लिए ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है पत्र लेफ्टिनेंट राम दुल्कि सलमान द्वारा सीता को लिखा गया है यह राम कौन है कौन है सीता महालक्ष्मी राम और आफरीन के दादाजी के बीच क्या संबंध है जवाब जानने के लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हमें काफी ज्यादा पसंद आया है और दोस्तों हर इंडस्ट्री की तरफ से इस मूवी को काफ़ी गजब का रिस्पांस मिला है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी देखने को मिलने वाली है बात करें इस मूवी की प्लस पॉइंट के बारे में दुलकर सलमान कितने शानदार एक्टर है अभिनेता ने एक बार फिर सीता रामम के साथ अपनी काबिलियत साबित की है लेफ्टिनेंट राम के किरदार में उन्होंने जान फूक दी है वह अच्छे दिखते हैं और स्क्रीन प्रेजेंस लाजवाब है चाहे वह भावनात्मक दृश्य हो या रोमांटिक, वह उन्हें शानदार ढंग से प्रस्तुत करते हैं यहाँ सरप्राइज पैकेज है मललाल ठाकुर वह एक चौका देने वाली तेलुगु शुरुआत करती है वह साड़ियों में बहुत खूबसूरत लग रही है और आसानी से परफॉर्मेंस भी कर रही थी उसका निश्चित रूप से उज्जवल भविष्य ही होने वाला है दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो यह मूवी के बारे में कोई और बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद